वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। कोई अखंड पाठ करवाए, एक है कि बस माया दे दित्ती अते गल खत्म, अते एक है कोई अखंड पाठ कराए अते अंदर चाह होवे कि मैं बैठ के कोल पाठ सुना हथी चोर साहब करा। जे कार करवाए अते चाह नाल पाठी सिंघां दी सेवा करे, बड़ा फर्क है दोहां विच। कोई कीर्तन करावे घर संगत आई होवे, कोई रंग च सेवा करे घर आई संगत दे शरदा नाल जोड़े चाड़े अते कोई बहरियां कोलो सेवा करवाए, बहुत फर्क है। एक गल पक्की जान लेना, जिन्ना दे अंदर चाह होवे उन्हां दे माड़े कर्म भी भले बन जांदे हन। जेड़ा सिख रंग विच रहन वाला होवे उस उत्ते तां आउण वालियां बित्तां भी गुरु नहीं आउण दिंदा, सिर ते हथ रख के टाल दिंदा है। साड़ी अज दी साखी, एक 9 साल दा बच्चा जिस दी उम्र दा अखीरला दिन सी अते उसने इस तरह सेवा कीती अते गुरु ने खुश होके किस तरह कृपा कीती अते उस दी मौत नूं टाल दिता, एक बड़ी ही प्यारी साखी। साखी शुरू करन तो पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तो इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करना। जिहड़े चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना अते बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आनंदपुर तो संगत दर्शन करन आ रही सी, संगत दे नाल एक 9 साल का बच्चा भी सी। उस बच्चे दे अंदर संगत दी सेवा दा एक नशा सी, रंग सी, एक लुफ्त सी, पखंड नहीं सी, अंदरली सांझ सी। अते जेड़ा पखंड तो रहत हो जावे ओदे वर्गा प्यारा सिख कोई नहीं हुंदा। अगर अंदरों मालक दे नाल सांझ पै जावे, ऐसी सांझ के उसदी संगत दी सेवा दा रंग लग जावे, एहो जे सिख दे तां कोई पिछले कर्मा अनुसार माड़े लिखे भी होण कर्म ओह भी भले बन जांदे हन, लेख बदल जांदे हन। जदों मस्तक लगता है गुरु चरणा ते तां गुरु इंज रंग च चढ़दी कला विच सेवा करन वालियां दे लेख भी बदलता है। उस बच्चे दे अंदर इन्ना रंग सी सेवा दा कि एक एक थाल चुक के बर्तन मांजने, संगत दियां लत्तां कुटनियां, संगत ने जिधर भी थकावट ना लम्मे बह जाना उस बच्चे ने सारा कार्ज संभाल के फिर आराम करना। जदों कलगीधर पिता पहुंचे तां उसने दर्शन किते अते संगतां बैठियां होईयां सन, ओह भी बैठा दर्शन कर रहा सी, नाल प्यार नाल कीर्तन भी श्रवण कर रहा सी। गुरु साहिब ने उंगल दा इशारा करके बच्चे नूं कोल बुला लिया। पहले ओह प्रसन्नता विच रहे अते फिर चेहरा उदास हो गया। फिर उन्हां ने कलम स्याही मंगवा के बच्चे दे मत्थे ते एक निक्की जिही बिंदी बना दित्ती। सारे बड़ा हैरान होए। संगतां दे पुछण ते सतगुरु ने रमज दी गल दसी कि इस बच्चे की उम्र विधाता ने कुल 9 साल की लिखी सी, अज इस दा आखरी दिन सी। अज जिस संगत नाल एह दर्शन कर आया है संगत ने इस दी लाश लैके जाना सी। असी इस बच्चे की सेवा च प्रेम वेख के, रंग वेख के, बिंदी लगा के इस दी उम्र 9 तो 90 साल कर दिती है। इस साखी तो अपने लई भी सेध है, परमार्थ बलने बने कोई भी नेम होवे, सिमरन होवे, सेवा होवे, कई बार बोझ पाके करते हाँ कि करना पैना है। किसे भी परमार्थ दे काम नू बोझ पाके नहीं चढ़दी कला नाल करना है, अते परमात्मा दा शुकर भी करना है कि किसे बहाने आप जी ने सेवा लई है। परमार्थ दे सारे काम चढ़दी कला नाल करन नाल गुरु खुश हुंदा है अते मन मंगियां मुरादां भी पूरियां करदा है। सेवा करदियां, सिमरन करदियां परमात्मा दा शुकराना भी करना है अते नाल नाल अरदास भी करनी चाहीदी है। सच्चे पातशाह अपनी कृपा करो, बख्शिश करो, सानू अपने नाम दी दात बख्शो, सेवा दी दात बख्शो, अपने चरणा नाल प्रीति बख्शो, अपने चरणा नाल जोड़ो अते अपना मेहरा भरिया हथ साडे सिर ते रखो। इस तरह कीती अरदास ਹਾਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਚੋਲੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।